हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एंड पेट हॉबिस्ट। आज हम सीखेंगे हैंगिंग पॉट की सॉइल बनाना। मेरे पास है कोकोपीट, देख सकते हैं आप, और कोकोपीट में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम कोकोपीट यूज़ करते हैं हैंगिंग पॉट के लिए। चलिए, ये मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट, करीबन 1 kg है। हम इसे बैग में से निकालेंगे, बैग में से इसको फाड़ के निकाल लेंगे। बैग को फाड़ा है, उसके बाद ये पूरा वर्मी कंपोस्ट हम एक तसले में या तगाड़ी में रख लेंगे। देख सकते हैं ये पूरा 1 kg वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट के बाद हम इसमें मिलाएंगे कोकोपीट। जैसा मैं बता चुका हूँ, कोकोपीट में मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक रहता है, और जिससे जो भी प्लांट होता है उसकी रूट्स को एक्सपांड होने में इजीली एक्सपांड हो जाती हैं इसमें, और ये ज़्यादा देर तक इसमें मॉइस्चर रहता है। जैसे अगर आप उसमें पानी डालते हैं तो काफ़ी टाइम तक इसमें मॉइस्चर रहेगा, और सबसे बड़ी बात ये हल्का बहुत होता है। हैंगिंग पॉट में डालने के लिए हल्का मटेरियल ज़्यादा सही रहेगा, लाइट वेट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद देखिए कितने अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल एक एक मतलब अच्छा तरीके से इसको मिक्स करना है, देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नीम की खली, देखिए देख सकते हैं ये नीम की खली है। नीम की खली हम यूज़ करते हैं जैसे आपके रूट्स में कभी कोई चींटी कीड़ा या फंगस जो लग जाती है प्लांट्स के रूट में, वो नीम की खली से नहीं लगती हैं, और उसका स्टेम काफ़ी मजबूत होता है। जिन पेड़ों में फल नहीं आते, नीम की खली डालने से फल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। हम नीम की खली 1/3 लेंगे, जितना भी हमने 2 kg मटेरियल है तो अप्रोक्स 250 ग्राम नीम की खली लेंगे, और फिर उसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए खूब अच्छे से मिलाते जाएंगे इसको। ये इजीली आप अपने अपने घर पे बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, कलाकारी नहीं है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे गार्डनिंग सॉइल, ब्लैक सॉइल जो हमारे खेतों में कहीं भी मिलती है, उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पहले से ही सैंड मिली हुई है, हम गार्डनिंग सॉइल कम मिलाएंगे ताकि पॉट, जिस पॉट में भी हम ये मिट्टी डालें वो पॉट थोड़ा हल्का रहे और न्यूट्रिशन बराबर मिले। वर्मी कंपोस्ट में न्यूट्रिशन बहुत अच्छे पाए जाते हैं रूट्स पेड़ के लिए, आप देख सकते हैं। कोई भी प्लांट हो उसके लिए वर्मी कंपोस्ट एक तरीके से बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल इतनी बढ़िया सॉइल में रेत भी मिक्स है, तो रेत हमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पुराना गार्डनिंग सॉइल रखा हुआ था, ये मैंने नया नहीं बनाया है, उसमें रेत पहले से ही मिली हुई है। देखिए ये कोकोपीट के जो थोड़े बहुत सही से फूले नहीं हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरी गार्डनिंग सॉइल मिलाएंगे, देख सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे। और ये हो गई हमारी गार्डनिंग सॉइल बन के तैयार हो गई है, और देख सकते हैं अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस मैजिक सॉइल का हम यूज़ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे किसी हैंगिंग प्लांट के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।